हाय, आज हम पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में बोला हूँ, अब पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम का मतलब है आप ड्रग को डायरेक्ट लंग्स में दे रहे हो, पल्मोनरी ओके, लंग्स में आप ड्रग को डिलीवर कर रहे हो। तो यहाँ पर डिलीवर करने का रीज़न क्या है? रीज़न ये है, अगर आप चाहते हो कि कोई इन्फेक्शन है लंग में या बंदे को आस्थमा है पेशेंट को, तो उस टाइम पे आप नहीं चाहोगे कि ड्रग मैं ओरली दूँ और वो जाके लंग्स पे ऐड करे, और बहुत टाइम लेगा और ज़्यादा डोज भी होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट पल्मोनरी में दोगे तो ड्रग जाके डायरेक्ट वहाँ लंग्स में ही जाके एक्ट करेगा। इसके एडवांटेजेस क्या है देखो, इससे हमें पता चलेगा क्यों हम पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। तो इनहेल्ड ड्रग डिलीवरी पुट्स ड्रग वेयर इट इज़ नीडेड, जो अभी बोला था मैं, जहाँ ड्रग चाहिए वही आप ड्रग को डिलीवरी कर रहे हो। नेक्स्ट, इट रिक्वायर्स लो फ्रैक्शन ऑफ ओरल डोज। कितना होगा? एक 4 mg का टैबलेट अगर साल्बुटामॉल ले रहे हो, 4 mg का टैबलेट ओरली ले रहे हो, वही 4 mg डोज आप 40 बार इनहेल कर सकते हो। अगर आप पल्मोनरी में दे रहे हो तो आप 40 बार दे सकते हो उसको, इतना इफेक्टिव है पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। देन इसका साइड इफेक्ट्स भी नेग्लिजिबल हैं क्योंकि डोज बहुत कम रहेगा ओके। देन आंसेट ऑफ एक्शन बहुत जल्द होगा, जल्दी उस आंसेट ऑफ एक्शन है। देन डिग्रेडेशन ड्यू टू लिवर तो नहीं होगा, यहाँ पर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ही नहीं है। एंड डिसीजेस लाइक आस्थमा एंड डायबिटीज, जहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए ड्रग लेना है तो उसके लिए पल्मोनरी बहुत अच्छा है और बॉडी ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट, नीडल फ्री है, आप बिना नीडल्स के, मतलब आप पेरेंटल में जो इफेक्ट पाओगे वो पल्मोनरी में पा सकते हो बिना नीडल के। देन इनहेलेशन हेल्प्स टू अवॉइड GI प्रॉब्लम्स सच एज पुअर सॉल्युबिलिटी, लो बायो अवेलेबिलिटी, गट इरिटेबिलिटी, अनवांटेड मेटाबोलाइट्स, फूड इफेक्ट्स एंड डोसिंग वेरिएबिलिटी। जो भी आप ओरली जो ले रहे हो उसमें जो भी डिसएडवांटेजेस है, उन सब डिसएडवांटेजेस को आप ओवरकम कर सकते हो बाई गिविंग ड्रग थ्रू पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नेक्स्ट हम देखेंगे पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम के डिसएडवांटेजेस क्या है। यहाँ पर हम चाहते हैं कि ड्रग डायरेक्ट अंदर जाए, कहाँ? लंग्स में। लंग्स में जाने से वो अगर ओरोफेरेंजियल में टिक गया, ये एक डिसएडवांटेज है के साइड इफेक्ट्स का। नेक्स्ट, पेशेंट में है डिफिकल्टी इन यूजिंग द पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी डायरेक्टली, थोड़े ड्रग डिलीवरी हैं पल्मोनरी के या सोचो आपको इनहेलर्स हैं, इसको यूज़ करने में पेशेंट को थोड़ा प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट, ड्रग डिस्पोजिशन और ड्रग अब्जॉर्प्शन मे बी लिमिटेड बाय फिजिकल बैरियर, यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन ज़्यादा रहेगा आपके लंग्स में, इसके वजह से क्या होगा, ड्रग अब्जॉर्प्शन थोड़ा इफेक्ट होगा। नेक्स्ट, वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑन ड्रग डिलीवरी ऑन लंग्स इंक्लूड फिजियोकेमिकल एंड फार्मास्यूटिकल बैरियर, ज़्यादा बैरियर्स है कंपेयर टू ओरल। नेक्स्ट, लंग्स आर नॉट ओनली एक्सेसिबल सरफेस फॉर ड्रग डिलीवरी कॉम्प्लेक्स बट ऑल्सो डिलीवरी डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड टू टारगेट ड्रग डिलीवरी। सिर्फ हम अगर लंग्स को ही हमें एक्सेस करना होगा, इसके लिए हमें स्पेशल टाइप ऑफ डिलीवरी डिवाइसेस भी डिज़ाइन करना होगा। यह हो गया आपका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लंग्स, सॉरी पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नेक्स्ट हम देखें, व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ आर रेस्पिरेटरी डिस्पोजिशन ऑफ ड्रग, मतलब जब आप ड्रग को लोगे ओके पल्मोनरी, जैसे इनहेलर है आपसे लोगे आप पल्मोनरी में, तो क्या होगा, वो जैसे ही अंदर जाएगा कैसे वो डिस्पोर्ट होगा, ड्रग एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में कैसे जाएगा, उसको जानने के लिए पहले आपको जानना होगा लंग्स का क्या है। पहले ऐसा आके लंग्स ऐसे लास्ट ब्रोंकिया ब्रोंकाई तक ऐसे राइट और लेफ्ट में ऐसे डिवाइड होते हैं, तो यहाँ पर ड्रग कैसे पास होगा, डिस्पोजिशन मतलब इस पोजिशन से ड्रग इस पोजिशन तक कैसे जा रहा है, इसको जानने के लिए आप वेरियस मैकेनिज्म से। तो डिस्पोजिशन डिपेंड होता है ब्रीथिंग रेट, माउथ आर नोज ब्रीथिंग, लंग वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल एंड ब्रांको फ्रैक्शन से भी डिपेंड होकर डिस्पोजिशन ऑफ द ड्रग होता है। तो इसके एक्चुअली मैकेनिज्म्स क्या हैं देखो, फर्स्ट मैकेनिज्म है डिस्पोजिशन का मतलब है ड्रग एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कैसे जा रहा है, वन इम्पैक्शन, सो इम्पैक्ट होके पार्टिकल्स लंग्स में डिलीवर हो रहे हैं। हम देखेंगे कैसे इम्पैक्ट होकर डिलीवर है। देखो, जब भी आप एयर फ्लो करोगे ऐसे, यहाँ से एयर जब जाएगा तब क्या होगा, बाइफरकेशन होगा यहाँ पर,
लंग्स में क्या होगा, ऐसे डिवाइड होगा ना, तो जो भी एयर ऐसा आएगा ये बाइफर्क होता है। जहाँ पर बाइफर्केशन है यहाँ पर क्या होगा, आपका पार्टिकल सोच कि इस पार्टिकल जो भी एयर ऐसे आ रहा है, इसमें जो पार्टिकल आ रहा है ऐसे, वो तो सीधा ही जाने की कोशिश करेगा। हम बोलते हैं इसको इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ पार्टिकल विल मेक इट टू ट्रैवल स्ट्रेट। बट क्योंकि यहाँ पर लंग बाइफर्केट हुआ है, उसको थोड़ी पता है पार्टिकल को कि लंग बाइफर्केट हुआ है, ये आके यहाँ पर इसको टकराने का चांसेस है, इसको बोलते हैं हम इंपैक्शन। ओके, सो ड्यू टू बाइफर्केशन इन द एयरवेज द सस्पेंडेड पार्टिकल्स टेंड टू ट्रैवल इन देयर ओरिजिनल पाथ। ये तो स्ट्रेट ही जाने की कोशिश करेगा ऐसे, क्योंकि बाइफर्केशन है, ये जाके इम्पैक्ट होगा। ओके, ड्यू टू इनर्शिया वो स्ट्रेट पाथ में जाएगा और मे इम्पैक्ट ऑन द एयरवे सरफेस। एक देन दिस मैकेनिज्म इज हाईली डिपेंडेंट ऑन एरोडायनेमिक डायमीटर एंड सिंस द स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स इज क्वाइट लो। ओके, देन इम्पैक्शन अकर्स मोस्ट इन केस ऑफ लार्ज पार्टिकल्स। जो भी बड़े पार्टिकल्स है वही जाके इम्पैक्ट होके ड्रग को डिलीवर करते हैं। छोटे पार्टिकल्स क्या होता है, चांस है कि छोटे पार्टिकल्स वो भी एयर के साथ बाइफर्केट होके चले जाएंगे। लार्ज पार्टिकल जो है उसका ही इम्पैक्शन ज़्यादा रहेगा। ओके, सो देयरफॉर डिपोजिशन ऑफ इम्पैक्शन इज ग्रेट इन ब्रोंकियल रीजन। सो ये इम्पैक्शन की वजह से, इम्पैक्शन मैकेनिज्म से ड्रग डिपोजिशन ज़्यादा कहाँ पर होता है, इनिशियल पार्ट ऑफ योर लंग्स, तो ब्रोंकियल रीजन में ज़्यादा होता है। ओके, देन सेडिमेंटेशन, तो जो भी पार्टिकल ऑलरेडी एयर में सस्पेंड हुआ है वो सेडिमेंट कैसे हो रहा है एंड सेडिमेंट होके कैसे वो ड्रग को डिलीवर कर रहा है देखेंगे। सेडिमेंटेशन में क्या हो रहा है, सेडिमेंटेशन का मतलब है सेटलिंग आउट ऑफ पार्टिकल्स इन स्मॉलर एयरवेज। स्मॉलर एयरवेज का मतलब देखो, ये मेजर है, ट्राकिया है, ट्राकिया से क्या हुआ बाइफर्केट होगा और यहाँ पर धीरे 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 क्या होगा एयर पाथवे छोटा होते जाएगा। लंग का एनाटॉमी आप पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा, एयर सो लास्ट में क्या होगा, डायमीटर ऑफ एयर पाथवे बहुत कम रहेगा। वहाँ पर क्या होगा, उसकी ट्रैवलिंग स्पीड कम हो जाएगी और वो सस्पेंडेड पार्टिकल सेडिमेंट होने का करेगा। द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन डिपेंड ऑन द टर्मिनल सेटलिंग वेलासिटी। मैं बोला ना टर्मिनल वेलासिटी मतलब लास्ट तक छोटा पार्टिकल जाएगा यहाँ तक, यहाँ जाने के बाद वो सेटल होगा, तो उसकी वेलासिटी टर्मिनल वेलासिटी कितनी है, अगर बहुत कम है तो वहाँ पर ही सेटल हो जाएगा, तो टर्मिनल सेटलिंग वेलासिटी पार्टिकल। सो सेडिमेंटेशन प्लेस अ ग्रेटर रोल इन डिस्पोजिशन पार्टिकल्स विद लार्ज एरोडायनामिक डायमीटर्स। ओके, देन हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में ग्रो इन साइज हैज दे पास थ्रू द वार्म ह्यूमिड आर एयर पैसेज। अगर सोचो कि ये पार्टिकल हाइग्रोस्कोपिक है, ये पार्टिकल जैसे जैसे ट्रैवल करता रहेगा, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक है, ये क्या करेगा दूसरे पार्टिकल्स के साथ ऐसे एग्रीगेट फॉर्म होके वो उसकी साइज बढ़ने की चांस है और वो तुरंत सेटल हो जाएगा कंपेयर टू स्मॉलर पार्टिकल्स। ओके, तो ऐसे पार्टिकल्स सेडिमेंटेशन होके आपके ड्रग को अब्सॉर्ब करवाएंगे, ये एक मैकेनिज्म है डिस्पोजिशन का। नेक्स्ट इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन अकर्स व्हेन पार्टिकल्स कंटेन कॉन्टैक्ट्स एंड एयरवे सरफेस ड्यू टू फिजिकल साइज आर शेप। ओके, अनलाइक इम्पैक्शन पार्टिकल्स आर डिपॉजिटेड बाई इंटरसेप्शन डू नॉट डिविएट फ्रॉम देयर एयर स्ट्रीम लाइन्स। तो इंटरसेप्शन का मतलब है कॉम्पैक्शन में क्या बोला आपको, इम्पैक्ट में पार्टिकल जो भी ऐसे आ रहा है वो आके यहीं पे इम्पैक्ट करेगा। इंटरसेप्शन में क्या होगा, ये अपने एयरवे जो भी है उसके साथ ही जाता रहेगा। ओके, एयरवे के साथ जाता रहेगा ये। ओके, इंटरसेप्शन इज मोस्ट लेट अगर इन स्मॉलर एयरवेज, जो छोटे एयरवेज में वहाँ पर क्या होगा एयरवे में इंटरसेप्शन ज़्यादा रहेगा, पार्टिकल जो है एयर के साथ ही जाता रहेगा। व्हेन एयर इज स्ट्रीम लाइन, ओके, इज क्लोजेस्ट टू एयरवे वॉल। ओके, इंटरसेप्शन इज मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर फाइबर्स विच ईजिली, क्योंकि फाइबर्स बहुत हल्के होते हैं कंपेयर टू पार्टिकल्स, इनका चांस क्या है वो स्ट्रीम लाइन के साथ ही जाते रहेंगे, जाके लास्ट में डिपॉजिट होंगे। ओके, तो ये होगा आपका इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन का मतलब है ये कहीं इम्पैक्ट नहीं करेगा, ये स्ट्रीम एयर के स्ट्रीम लाइन के साथ जाके डिपॉजिट हो जाएगा। ये एक मैकेनिज्म है ड्रग डिस्पोजिशन इन लंग्स। नेक्स्ट है डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन नॉर्मली क्या है, आप सोचो कि यहाँ पर एक एक्चुएटर से आप ड्रग लिए हो, यहाँ पर ड्रग कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, जैसे उसको आप अंदर लोगे, जैसे वो
पूरा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन लंग्स में जाएगा, स्टार्टिंग पार्ट ऑफ लंग्स में जाएगा, वहाँ पर ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ से क्या होगा, ड्रग डिफ्यूज होने की कोशिश करेगा फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। क्यों होगा ये? ड्यू टू ब्राउनियन मूवमेंट। ड्यू टू ब्राउनियन मूवमेंट, डिफ्यूजन का मेन एनर्जी सोर्स है ब्राउनियन मूवमेंट। ड्यू टू ब्राउनियन मूवमेंट एयर यहाँ सॉरी पार्टिकल्स विल मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सो डिफ्यूजनल डिपोजिशन, डिफ्यूजन होके भी डिपोजिशन हो पाएगा ड्रग का, अकर्स मोस्टली वेन द पार्टिकल्स हैव जस्ट एंटर्ड द नेजो फेरिंग। मैं आप बोल रहा हूँ जैसे ही पार्टिकल्स आए, क्योंकि यहाँ का उनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, इसलिए वो डिफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट है अब्सॉर्प्शन। डिफ्यूज होने के बाद क्या है, जब भी आप पर्मनरी मेम्ब्रेन के पास जाके ड्रग यहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर क्या होगा, आपका जो भी पर्मनरी मेम्ब्रेन है अंदर, जो भी लंग्स में जो भी आपका मेम्ब्रेन है, इट इज़ परमिएबल फॉर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर हम प्रोटीन और पेप्टाइड्स को भी डिलीवर कर सकते हैं, ओके। एंड इसका जो थिकनेस है ये मेम्ब्रेन का, जैसे जैसे आप ब्रोंकियाई तक जाएंगे, एल्वियोई तक जाएंगे, एल्वियोई में इस मेम्ब्रेन का थिकनेस बहुत कम होगा। अब हम देखेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ इनहेलर्स। इसमें है DPI, ड्राई पाउडर इनहेलर। DPI का मतलब है, नाम ही सजेस्ट कर रहा है, आपको ड्राई पाउडर रहेगा। हम क्या करेंगे, ड्रग लेंगे, ड्रग को माइक्रोनाइज करेंगे, जो भी ड्रग पार्टिकल्स अगर बड़े हैं उसको माइक्रोनाइज करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में हम कन्वर्ट करेंगे ऐसे, ओके। एंड इन पार्टिकल को और थोड़े बड़े पार्टिकल के ऊपर ऐसे डिपॉजिट करवाएंगे, ओके। डिपॉजिट करने के बाद जब इसको आप इनहेल करोगे क्या होगा, ये बड़ा पार्टिकल यहीं पे रह जाएगा और छोटे पार्टिकल इनहेल हो जाएंगे। ये होता है आपका ड्राई पाउडर इनहेलर। जनरली हम लैक्टोस लेंगे, उसके ऊपर लैक्टोस के ऊपर हम ड्रग पार्टिकल्स को डिपॉजिट करने की कोशिश करवाएंगे। लैक्टोस यहाँ पर कैरियर के जैसे ऐड करेगा। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर मैं सिर्फ ड्रग पार्टिकल्स क्यों नहीं दे सकता हूँ, लैक्टोस क्यों मिला रहे हैं? यहाँ क्या होगा, माइक्रोनाइजेशन करने की वजह से ड्रग की सरफेस फ्री एनर्जी बढ़ेगी और वो पार्टिकल्स कंबाइन होने की कोशिश करेंगे और उनका एग्रीगेशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर लैक्टोस के ऊपर आप ड्रग डिपॉजिट करोगे, रीज़न ये है कि ड्रग पार्टिकल्स के आप साइज़ को जब डिक्रीज करोगे उसकी सरफेस फ्री एनर्जी बढ़ेगी और ड्रग पार्टिकल्स ट्राई टू एग्रीगेट, वो एग्रीगेशन होंगे। अगर ड्रग एग्रीगेट हो गया तो मैं चाहता हूँ कि ड्रग ब्रोंकियाई तक पहुँचे, वो ट्रैकिया में ही रह जाएगा, ब्रोंकियाई तक नहीं जाएगा ड्यू टू इम्पैक्शन, ड्रग पार्टिकल का साइज़ ज़्यादा है। अगर ड्रग पार्टिकल का साइज छोटा है तो पूरा ब्रोंकियाई तक जाएगा, ओके। इसके वजह से हम लैक्टोस के ऊपर उसको डिपॉजिट करवाएंगे। जब भी आप इनहेल करोगे लैक्टोस वही में लैक्टोस डिपॉजिट हो जाएगा, जो भी ड्रग के पार्टिकल्स है वो उसके ऊपर से आप जैसे प्रेशर अप्लाई करोगे, ड्राई पाउडर इनहेलर के लिए आपको प्रेशर अप्लाई करना होगा, माउथ में जैसे आप सक करोगे उसको, वो उस प्रेशर के वजह से क्या होगा, ये जो भी अड्जॉर्ब्ड ड्रग पार्टिकल्स है ये बाहर आ जाएंगे। अब ये कैसा चलता है क्या है? मैं आपको एक YouTube वीडियो दिखाऊंगा, इस वीडियो में देखो आप। यहाँ पर देखो, ये जो भी क्यूब से सोचो कि लैक्टोस है, उसके ऊपर जो भी आप डार्क पार्टिकल्स देख रहे हो, ये जो पार्टिकल्स है डार्क डार्क, ये आके आपके ड्रग पार्टिकल्स है, ओके। सो आप जैसे इनहेल करोगे, आप जैसे एक्टिवेट करेंगे उसको, पूरा लैक्टोस के ऊपर से ड्रग पार्टिकल वहां पर चले जाएंगे और लास्ट ब्रोंकियाई तक रहेंगे और लैक्टोस ऊपर ही रह जाएगा, वो ट्रैकिया में ही रह जाएगा। देखो यहाँ पर जो भी है, ओके, आप वो देख रहे हो, ये लैक्टोस पार्टिकल्स है एंड इसके जो ऊपर थे वो ड्रग पार्टिकल्स नीचे ब्रोंकियाई तक पहुंच गए। अब एक्चुअली ये कैसे काम करते हैं हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसे आप यहाँ से सक करोगे, जो भी पाउडर पार्टिकल है अंदर ऐसे जाएगा और जाके पूरा डिपॉजिट हो जाएगा। एक्चुअली ये कैसे दिखता है आपको मैं एक और वीडियो दिखाता हूँ। पाउडर दी है, वो एक कैप्सूल में रहेगा, ओके। सिप्ला का है ये डेमोन्स्ट्रेशन, देखो ये बंदा क्या कर रहा है, ये जो कैप्सूल है इसमें आपका ड्रग पाउडर, ड्राई पाउडर इनहेलर, ड्राई पाउडर ड्रग का कैप्सूल मिलेगा। अब ये कैप्सूल को ये जो इनहेलर है इसमें डालोगे आप, डालने के बाद जैसे उसको घुमाओगे पूरा ड्रग आके उसके अंदर गिर जाएगा। और देखो कैप्सूल इंसर्ट करने के बाद उसको टर्न करेगा,
जैसे वो घुमाएगा कैप्सूल को ओपन होके एंड टर्न द लोअर पार्ट दिस वे एज सून एज यू टर्न इट द लोअर पार्ट ऑफ द रोटर कैप विल सेपरेट फ्रॉम द अपर कैप्सूल से आके ड्रग पूरा अंदर गिर गया, ऐसे ड्रग पार्टिकल्स पूरे अंदर चले गए. ओके अब यहाँ पर जो देख रहे हो आप यहाँ जो देख रहे हो ये देखो इस पार्ट में यहाँ पर ड्रग है जो भी आपका पार्टिकल से ड्रग के वहाँ पर है. नेक्स्ट क्या करेगा आप पहले जो भी आपके लंग्स में एयर था उसको एक्सहेल करोगे फूकोगे. एक्सहेल करने के बाद आपको इनहेल करने की कैपेसिटी आएगी. माउथ यहाँ पर रखे जैसे आप इनहेल करोगे क्या होगा ड्रग घूम के ओके वहाँ पर हम वर्टेस क्रिएट करें देखो घूम रहा है ऐसे ओके यहाँ वर्टेस क्रिएट हो गए. हाँ भाई वर्टेस से क्या होगा आप जो भी लैक्टस के ऊपर ड्रग डिपॉजिटेड है वो ड्रग पूरा बाहर आ जाएगा. लैक्टस पार्टिकल्स बड़े हैं वो तो ट्रैकिया में रह जाएंगे. ड्रग पार्टिकल्स जो डिपॉजिटेड है वो ब्रोंकिया तक जाएंगे. ऐसे आप ड्राई पाउडर इनहेलर लोगे तो ये होगा आपका ड्राई पाउडर इनहेलर्स. तो इसमें कुछ भी नहीं फॉर्मुलेशन कुछ नहीं आपको ड्रग पार्टिकल्स है ना उसको माइक्रोनाइज करना है 5 माइक्रॉन से नीचे उसकी साइज लेके जाना है. ओके एंड उसको हम लैक्टोज के ऊपर अड्जॉर्ब करवाएंगे. लैक्टोज विल एक्ट एज ए कैरियर बस. सो फॉर्मुलेशन में यहाँ पर क्या करते हैं आप उसको 5 माइक्रॉन के साइज तक लेके जाओगे उसे लेस दैन 5 माइक्रॉन के साइज तक लेके जाओगे. ओके क्योंकि हाई एनर्जी पाउडर्स है ये एग्रीगेट होने की फॉर्म करेंगे. आपने मैं बोला अगर जैसे आप पार्टिकल के साइज़ को डिक्रीज करोगे इसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा सरफेस फ्री एनर्जी इंक्रीज होगा और वो एग्रीगेट करेंगे. आप क्या करोगे इसको अड्जॉर्ब करवाओगे एक अड्जॉर्बेंट के ऊपर जैसे लैक्टोस. ओके वो कैरियर लार्ज कैरियर पार्टिकल्स जैसे 30-40 माइक्रॉन है ये लार्ज कैरियर पार्टिकल ट्रैकिया में रह जाएगा ये ड्रग ब्रोंकिया तक जाएगा. ओके तो ये होगा आपका फॉर्मुलेशन ऑफ ड्राई पाउडर इनहेलर्स. आपको इनहेलर ऐसे दिखेगा आप ऑलरेडी वीडियो में देख चुके हो कैसे लेते हैं. ओके तो यहाँ पर दो टाइप है यूनिट डोज डिवाइस है मल्टी डोज डिवाइस है. यूनिट डोज डिवाइस में आप क्या करें वो जो कैप्सूल लेके ले रहा था वो यूनिट डोज है. मल्टी डोज में आपको ज़्यादा डिस्क रहते हैं देखें सर्कुलर डिस्क यहाँ पर है ना सर्कुलर डिस्क रहते हैं दैट कंटेंस पाउडर्स इन मेनी डोसेस. ओके तो उसमें आप एक एक बार एक एक डिस्क को आप वहाँ पर इनहेल कर सकते हो. बस यहाँ पर डोसेस ज़्यादा रहता है मल्टी डोज यहाँ पर एक डोज में रहता है. नेक्स्ट मीटर डोज इनहेलर PMDIs मीटर डोज इनहेलर्स. इसमें नाम क्या है एक मीटर्ड डोज रखते हैं जैसे आप इसमें हमारे ड्राई पाउडर में क्या हुआ था जो भी एनर्जी है पार्टिकल ड्राई पाउडर इनहेलर से लंग्स में कैसे जा रहा है आप खींच रहे हो उसको आप एनर्जी लगा रहे हो नेगेटिव प्रेशर आप दे रहे हो आप उसको खींच रहे हो तब जाके वो अंदर जा रहे हैं. यहाँ पर मीटर डोर्स इनहेलर्स में क्या हम प्रोपेलेंट देते हैं ये पॉजिटिव है पॉजिटिव प्रेशर. ओके प्रेशराइज्ड कंटेनर्स यहाँ पर आप प्रोपेलेंट रखते हो लिक्विड प्रोपेलेंट रखे उसको प्रेशर क्रिएट करते हो जैसे आप डरा क्योंकि अंदर प्रेशर ज़्यादा है बाहर प्रेशर कम है एक डोज में पूरे ड्रग को बाहर लेके आए क्योंकि वहाँ पर आप यूनिट सेट करोगे कितना वॉल्यूम बाहर आना है वो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 डोज. तो यूनिट डोज कैसे काम करते हैं एक वीडियो देखेंगे हम. ओके ये न्यूक्लियस का है एंड देखो पीपल हु हैव लंग कंडीशंस लाइक एस्मा और सीओपीडी ऑफन टेक देयर मेडिकेशंस यूजिंग अ हैंडहेल्ड डिवाइस. ये देखिएगा ऐसे जैसे आप इनहेल करोगे जैसे इसको एक्टिवेट करोगे ऐसे मेडिसिन मे नॉट एंटर योर माउथ ड्रग पूरे लंग्स में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. Either way, okay. it may not reach your airways. Follow the instructions. Your metered dose inhaler. Remove the mouth cap and shake the inhaler. अब शेक करोगे ओके यहाँ इसके अंदर ड्रग और प्रोपेलेंट रहेगा जैसे आप दबाओगे यहाँ से वो बाहर आएगा. देखो ऐसे टॉप मुंह में रख के यहाँ पर क्या है जैसे आप दबाओगे ना तभी तुरंत आपको सांस लेंगे. तब क्या होगा जैसे ही आप इसको इनहेल करोगे आप सांस भी लोगे तो वो यहाँ से यहाँ अंदर चला जाएगा. देखो ऐसे अगर आप तुरंत सांस नहीं लोगे अगर आप एक्सहेल कर रहे हो या और ये दबा रहे हो तो पूरा बाहर आ जाएगा. आपको जैसे ही वो दबाओगे आपको इनहेल करेंगे यही इसमें प्रॉब्लम है. ओके यहाँ पर मीटर डोज को हम मीटर फॉर्म में रखते हैं रखने की कोशिश करते हैं इसको बोलते हैं मीटर डोज. इसमें आपका ध्यान ये रखना है कि हम प्रोपेलेंट यूज़ करते हैं.
एंड इसके लिए कंटेनर्स प्लास्टिक भी हो सकता है या ग्लास कंटेनर भी हो सकता है. ओके, तो इसको हम बोलते हैं कैनिस्टर. ये कैनिस्टर में ही ड्रग और पॉपुलेंट रहता है. कैनिस्टर आप निकाल के फिर रखना है. ये आपका माउथ, यहाँ पर माउथ पीस है. ओके, इस कैनिस्टर को अगर आप दबाओगे, इसके अंदर प्रोपेलेंट है, वो यहाँ से बाहर आ जाएगा ऐसे. ओके, ऐसे बाहर आए, जैसे वो बाहर आए आपको तुरंत सांस अंदर लेना है, ओरली ऐसे सांस अंदर लेना है, तब जाके वो अंदर जाएगा. ओके, इसमें हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, कुछ भी नहीं, प्रोपेलेंट लेंगे. प्रोपेलेंट में ड्रग को डिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रोपेलेंट में ज़्यादातर ड्रग, प्रोपेलेंट इज़ नॉट ए गुड सॉल्वेंट फॉर ऑल द ड्रग्स. We try to use alcohol or glyol, something co-solvent in the propellant. Co-solvent use करके हम use करने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पर propellant क्या use करेंगे, हम drug को dissolve करने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पर drug लोगे, propellant लोगे, co-solvent लेंगे, सबको अगर mix करोगे तो आपको liquid आएगा. Okay, क्योंकि यहाँ propellant gaseous form में रहता है, इन सबको आप मिलाओगे -60°C में. तो यहाँ पर propellant के examples हैं, यहाँ देखो क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोफ्लोरो ऑल्केन्स. ओके, ये क्या करते हैं, आपको आप जब आपको कूल करोगे तो ये गैसेस फॉर्म में जो भी प्रोपेलेंट है वो कूल होकर लिक्विड फॉर्म में आएगा. वही लिक्विड फॉर्म में आप ड्रग और कोसालोन भी डाल के उनको -60° तक लेके जाओगे. -60° में क्या होगा, प्रोपेलेंट विल बी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. इसमें मिला के मिक्स करके उसको आप कैनिस्टर में भर के सील कर दोगे. नेक्स्ट, जब आप दबाओगे, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, प्रोपेलेंट लिक्विड से गैस में बदल जाएगा. जब बाहर आएगा वो ड्रग को भी साथ में लेके आएगा, क्योंकि यहाँ मीटर रखे रहोगे उतना ही वॉल्यूम बाहर आएगा, विच इज इक्वल टू 1 dose. ये होगा आपका मीटर्ड वॉल. ओके, तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हो 25 to 100 microliter का वॉल्यूम को. तो मीटर वॉल रहने की वजह से उतना ही वॉल्यूम बाहर आएगा, और आप कैलकुलेट करके ही उसमें कैनिस्टर में डाले रहोगे कि कितना ड्रग बाहर आना चाहिए, विच इज़ इक्वल टू द डोज. देन फॉर्मुलेशन कैसे करोगे, आप मैं अभी बोला, सब सॉल्वेंट को मिक्स करोगे. ओके, 60°-60°C में आप मिक्स करके उसको कैनिस्टर में भरने की कोशिश करोगे. ये सिंपल है. नेक्स्ट, फिलिंग ऑफ द, या फिलिंग भी आप क्या करोगे, एंड देखो -60° में ही इसका फिलिंग होगा, क्योंकि आप फिल करते समय चाहते हो कि वो लिक्विड फॉर्म में रहे. तो फॉर्मुलेशन करने के बाद आप फिल भी करोगे. ओके, नेक्स्ट, नेबुलाइजर्स. तो हम ड्राई पाउडर इनहेलर्स देखें, हम मीटर डोज इनहेलर्स देखें, अब हम देखेंगे नेबुलाइजर्स. नेबुलाइजर्स क्या करते हैं, इनके लिए ना देखो, ड्राई पाउडर इनहेलर में क्या है, आपको सक करना होगा. जब आप खींचोगे तब जाके पाउडर अंदर जाएगा. मीटर डोज इनहेलर्स में क्या है, हम प्रोपेलेंट दिए हैं, प्रोपेलेंट आपको प्रेशर देगा, जैसे आप दोगे वो खुद अंदर आ जाएगा, जस्ट आपको अंदर लेना है, सांस लेना उसके साथ. यहाँ पर नेबुलाइजर्स का ये है कि नेबुलाइजर्स आप जस्ट यहाँ पर रखो, पूरा जो भी लिक्विड है उसको नेबुलाइज कर देंगे. आप जस्ट नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहो, ड्रग आपके पल्मोनरी डिलीवरी तक चला जाएगा, लंग्स में ड्रग चला जाएगा. नेबुलाइजेशन, नेबुलाइजेशन का मतलब है कन्वर्टिंग देम इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, और लिक्विड पार्टिकल को आप स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करोगे, इसको बोलते हैं हम नेबुलाइजेशन. मैं एक बार डालता हूँ, ऐसा ऑक्सीजन ट्यूब आता है, यहाँ पर से एयर जेट के जैसे जाता रहेगा, इसलिए इसका नाम जेट नेबुलाइजर है. एयर जेट के जैसे जाता रहेगा. बर्नौलीस थ्योरम आप पढ़े होंगे, उस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, नीचे जो लिक्विड है, क्योंकि एयर जब यह एयर यहाँ से जेट्स के रूप में जाता रहेगा, ये यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव प्रेशर है, तो ये लिक्विड तुरंत वो एयर के जेट में चला जाएगा ड्यू टू बर्नौली थ्योरम. ओके, और जब ये बाहर आएंगे, क्योंकि उसका नॉजल बहुत छोटा रहेगा, जेट के स्पीड के आते समय वो नेबुलाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड यहाँ पर आप अगर ऐसे रख दोगे ना उसको, ये जो भी सिस्टम है, ये सारा सिस्टम यहाँ होकर अटैच हो जाएगा. इसकी वजह से यहाँ क्या होगा, धीरे धीरे धुआं के जैसे जेट आता रहेगा, आप नॉर्मल रेस्पिरेट करोगे और ड्रग अंदर जाता रहेगा. ये आस्थमा पेशेंट्स को देते हैं, और छोटे बच्चों को भी जब उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम रहती है तब देते हैं. ओके, नेक्स्ट, अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर्स. तो हर बार हम हॉस्पिटल को तो नहीं जा सकते मुझे एयर लेने के लिए, इसलिए घर में यूज़ करने के लिए अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर्स यूज़ करते हैं. घर का जो छोटा आता है ना, वो अल्ट्रासोनिक है. यहाँ पर क्या होता है, अल्ट्रासोनिक, ओके, हम जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे, यहाँ पर एक क्रिस्टल रहता है, उसका नाम है पीजो इलेक्ट्रिक
क्रिस्टल। ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्या होता है, वाइब्रेट होता है। जैसे आप देख, इस वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, ड्रग जो भी लिक्विड फॉर्म में है वो इट विल बी कन्वर्टेड टू नेबुलाइजेशन फॉर्म। देखो यहाँ पर, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे, जो भी क्रिस्टल है ये वाइब्रेट होके अल्ट्रासोनिक, मतलब सम वाइब्रेशन इज इन्वॉल्व, ओके, वाइब्रेट होके ये लिक्विड को स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में नेबुलाइजेशन कर देगा। यहाँ पर माउथ पीस है, यहाँ पर आप ऐसे रखोगे तो धीरे 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 वो नेबुलाइजेशन होता रहेगा। एंड दूसरा है वाइब्रेटिंग मेश नेबुलाइजर, यहाँ पर एक मेश रहेगा जो वाइब्रेट होता रहेगा और वो नेबुलाइजर। यहाँ पर बस नेबुलाइजेशन आप किस तरीके पे कर रहे हो उसके हिसाब से आपको थ्री पार्ट्स है, एक जेट के तरीके से कर रहे हो एयर पास करके, दूसरा करो वाइब्रेशन करवा के अल्ट्रासोनिक, तीसरा भी वाइब्रेट कराओ, यहाँ पर मेश करवा के। क्या करेगा वो बंदा, देखो ये जो है ये मशीन है, ओके, यहाँ पर ड्रग है, ये है माउथ पीस, आप माउथ पर रखोगे, ओके, ये एक्चुएटर, यहाँ पर आप ड्रग डालोगे, ड्रग यहाँ पर डालोगे इसके अंदर, ओके, डालने के बाद जैसे आप क्लोज तो यहाँ देखो धुआं देख रहे हो ना, ऐसे 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 क्लोज करते धुआं आएगा यहाँ से, ऐसे। तो ये हो गया आपका नेबुलाइजेशन।